रीडिंग्स तो चलो भी हैं आज की उनके दिल की बातें। 21 जून मंगलवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। तीन ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं, टैरो है, फॉर्चून कीज हैं एंड वी गॉट द स्ट्रॉबेरी ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्चून कीज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो दो कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, एक उनके लिए और एक आपके लिए। चलो चुनते हैं उनके लिए कौन सा कार्ड है। ये आ गया उनके लिए, चलो उनके लिए दो कुकीज आ गई एंड आपके लिए देखते हैं। यस, आपके लिए कुकी आ गई है। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन देम, देखते हैं उनके लिए कौन सी कुकीज आ गई हैं। पहली जो कुकी है वो है हेल्थ के लिए। ठीक है, एज यू कैन सी एन एक्सेलेंट टाइम टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट, मेनी न्यू फ्रेंडशिप आर ऑन द हॉरिजॉन। ठीक है, तो आज उनके हेल्थ के लिए काफ़ी सही दिन है। अगर कोई शुरुआत करनी है लाइक जिम पे जाना है या फिर ना कहीं कोई हेल्थ का कोई यू नो उन्होंने योग प्लान वगैरह शुरू किया है तो ये उनके लिए काफ़ी सही है। मे बी अगर कुछ किसी ट्रीटमेंट के अंदर वो यू नो अंडर गोइंग चल रहा है या फिर कहीं कहीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का। ठीक है, आप भी इनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है सरप्राइज, दिस पॉइंट विल बी फॉलोड बाय प्लीजिंग सरप्राइज। ठीक है, सो कहीं ना कहीं भी कोई अच्छा सरप्राइज उनको मिलने वाला है लाइक जॉब में कुछ प्रमोशन वगैरह, थोड़े से पैसे इधर के उधर वगैरह, वो सब कुछ हो सकता है आज। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्चून किसकी तरफ ध्यान दें तो सरप्राइज उनको मिल सकता है और आपको भी। इफ बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, अगर आप दोनों साथ में, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के एक्सपेंसेस जो है आपके कर्टेल हो सकते हैं, कम हो सकते हैं और इनकम जो है वो अचानक से बढ़ सकती है। अगर हम आपके बारे में बात करें तो आपके लिए है लव लाइफ, अरे भाई अफेयर्स ऑफ द हार्ट विद कॉज फॉर प्रॉब्लम्स बट टेक हार्ट एज डिफिकल्ट सिचुएशन विल बी रिजॉल्व बाय गुड डिसीजन। तो हाँ, कहीं ना कहीं आप दोनों मिलकर एक सटीक या अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम इनको थोड़े से आपसे जुदा करें तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में जूझ रहे हैं लेकिन जो उनके लिए सरप्राइज एलिमेंट है वो ये कि भाई कहीं ना कहीं मे बी एट द एंड ऑफ द वीक आप दोनों मिल सकते हो। अगर काफ़ी दिनों से मिल नहीं पा रहे हो तो वो मिल सकते हो। फिर जो टेंशन वाली बात थी आप दोनों के जीवन में, यू नो, चाहे वो रहने के बारे में हो या फिर व्हाटएवर इश्यूज, शुड बी रिजॉल्व हो सकते हैं वन बाय वन। थोड़ा सा आपको बस वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, वी गॉट दिस एज द फॉर्चून कुकीज और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए फॉर्चून कुकीज होती हैं एंड डिपेंड्स ऑन दैट कि कैसे आप इसको लेते हैं। ओके, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। वाओ, टैरो से हमें इतने सारे कार्ड्स मिल गए, वी टेक देम एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चार कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं और हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ऑलमोस्ट हमें 7 कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, ये आ गया 5वां। ओके, और हमें चुनने हैं 2 कार्ड्स। रिसेंटली आई थिंक मैंने सौदागर फिल्म के कुछ आई थिंक शॉर्ट्स देखे थे। चलो फिर ये आके 1 कार्ड और अब देखना है कि दूसरा कार्ड कौन सा आता है। वाओ, चलो ये 3 कार्ड आ गए, मैं तीनों को ही लेता हूँ एंड रखता हूँ इसको साइड में और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ऑल आर दी पॉप्ड अप कार्ड्स, अचानक से आए हुए कार्ड्स हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। लेट्स फोकस ऑन दैट। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है द मैजिशियन, एज यू कैन सी। ठीक है, मैजिशियन का एक कार्ड प्रथम स्थान पे आ चुका है, इसका जो मतलब है यहाँ पे हमें देखने वाला वो क्या है। आई थिंक ये पर्सन कोई भी इशू सॉल्व करने को रेडी है। ओके, इफ़ यू हैव आस्क्ड देम कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें हैं, तो डू नॉट वरी, ये पर्सन ज़रूर कोशिश करेगा आपके लाइफ से वो सारी चीज़ें हटाने की जो आपको तकलीफ दे दी है। ठीक है, पर्सनल बॉन्डिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे किटन्स खेल रहे हैं, वरना आपको लगे क्यों वो मियाँ कर रहे हैं। ठीक है, 2 और आ गए थे किटन्स, थोड़े से बड़े और ये 2 छोटे हैं, तो उनके खेल चल रहा है। दैट्स इट। ठीक है, तो चलो देखो कहीं ना कहीं पर्सन शायद कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो इश्यूज़ है सॉल्व कर सकता है। सेकंड, अभी पोएट्री बनाने की कोशिश चल रही है। अगर ये पर्सन थोड़ा सा आर्टिस्टिक है तो उसमें भी अपने स्किल्स जुटाने की पर्सन कोशिश कर रहा है। सेकेंडली, अगर रही बात आपके फैमिली के बारे में, आपके अगर यू नो आपके पेरेंट्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो फेमिनिन एनर्जी है, जैसे आपकी दादी होगी, आपकी माँ होगी, उनसे शायद ये जुड़ना चाहता है कि भाई फाइनली कनेक्टिंग टू देम कि वो क्या सोचते हैं और क्या इश्यूज़ हैं, क्या वो इस सारे इशू को सॉल्व करने में आप दोनों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। वेल, मैजिशियन का मतलब है कि इशू रिजॉल्व करना एंड ताकतवर बन के आगे आ जाना। ठीक है, कि भाई आई कैन रिजॉल्व, मतलब मैं कोई भी इशू सॉल्व कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि कोई इशू है, तो पहली बात तो कौन सा इशू है और उसके क्या मायने निकलते हैं। तो यहाँ पे उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है नंबर टू आ गया है यहाँ पे, नंबर वन के बाद टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो भाई अगर हम इस कार्ड को देखिए बारीकी से, इस कार्ड में एक्चुअली चारों साइंस आते हैं, ठीक है, इफ़ यू जस्ट क्वेश्चन, तो चारों साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। दूसरा जो कार्ड है भाई टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भाई थोड़ी सी जजमेंट हो रही है, ठीक है, कि भाई आप दोनों के बीच अगर कहीं थोड़ी सी स्लाइटली लड़ाई हुई है या फिर कहीं ना कहीं नोकझोंक हुई है कि किसी ने बुरा मान लिया, किसी को कहना नहीं था लेकिन कह दिया, तो ऐसी कुछ बातें होती रहती है। देखो प्रैक्टिकलिटी का एक कार्ड है, मतलब कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनते जा रहा है, शायद फिर वो पैसों को लेके हो या फिर आप दोनों को लेके हो, यू नो। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ईजी गोइंग है, तो ऐसा नहीं है, किसी हर किसी को तकलीफ थोड़ी बहुत होती ही रहती है। अब शायद इस पर्सन को थोड़ी बहुत तकलीफ ज़्यादा हुई है, शायद कुछ पलों में या फिर पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा भड़का हुआ हो सकता है ये पर्सन। तो आपको इस पर्सन को पहली बात तो शांत कराना है, ठीक है, और थोड़ा सा समझिए कि भाई ये पर्सन क्यों गुस्सा है, उसके पीछे की वजह क्या है। देखो ये आपको हर बात डीप में समझा नहीं सकता, जैसे कि हमारे इमोशंस कभी एकदम हाई तो कभी एकदम लो, तो हम नहीं कह सकते कि भाई कब मेरा गुस्सा ठंडा होगा वगैरह, है ना। हमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, रीज़न कुछ नहीं होता लेकिन होते हैं गुस्सा, बीबी का इश्यू होता है, फिर कुछ और इश्यूज़ होते हैं, अचानक सिर दर्द होने लगता है, फिर कुछ याद आती है चीज़, ठीक है, तो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये जो कार्ड है यहाँ पे वो है फोर ऑफ वॉन्स एरियस लियो सैज, भाई बहुत ही खूबसूरत कार्ड रिगार्डिंग दी मैरिज सेरेमनी इन लाइक वाइज, ठीक है। कहे तो ये पर्सन जो है वो शायद आपके और इनके दोनों के शादी के बारे में, कनेक्शन के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, एक साथ होने के बारे में, या फिर जिस दिन आपकी शादी हुई थी उन दिनों के बारे में शायद सोच रहा है, या फिर कैसे होगी, कहाँ पे होगी, इन सब के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही कार्ड है, और अगर हम कहें कि आप दोनों अगर शादी के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रहे हो, तो भाई मे बी आप दोनों कब मिलोगे, या फिर शाम का आपका क्या प्लान्स है, कहीं पर घूमने का प्लान है या फिर कहीं मिलने का प्लान है, अगर कोई सीरियस थिंकिंग चल रही है, ठीक है, या फिर कहीं पे किसी फ्रेंड को अगर जाके लीगल मैरिज में हेल्प करनी है, अरेंज मैरिज में, तो वो भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे दोनों मिलके। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। भाई यहाँ पे पर्सन जो है एक्चुअली कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, ठीक है, मतलब आप दोनों के बीच शायद व्हाट्सअप हो रहा है, टेलीग्राम हो रहा है, ईमेल हो रहे हैं, एंड टेक्स्ट मैसेज भी हो रहे हैं, कॉलिंग भी हो रही है, हर प्रकार की, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच की दूरियां हट जाएं और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। ये आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना चाहते कि भाई इस कारण से ये आपके ऊपर खफा है, ऐसा नहीं है, इनके भी खुद के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जितना चाहे वो इशू क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, आप बस इनको सवाल पूछो और आपके सवालों के जवाब ही आपको देने को रेडी मिलेंगे। इसी कार्ड यहाँ पे बोलते हैं डेविल, कैप्रिकॉन का साइन यहाँ पे आ चुका है, पर डेविल का मतलब है कि कुछ ऐसे विशेष है इनकी, ये भी अर्थ साइन है तो प्रैक्टिकल होता है डेविल, कि भाई एग्जैक्टली आप सोचते क्या हो, ठीक है, मे बी आपकी जॉब को लेके या फिर आपकी किसी हेयर स्टाइल को लेके थोड़े से परेशान है, डिपेंडिंग ऑन दैट, हाल ही में अगर आपने अपने हेयर स्टाइल चेंज की होगी, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा बदला है, तो थोड़े से आपके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन आप जल्दी इनका गुस्सा नॉर्मल कर सकते हैं। मे बी इस पर्सन के माइंड में है कि आप दोनों मिलकर कहीं ना कहीं और ज़्यादा टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, फिर अगर आपको कई और कुछ और चीज़ें करनी है तो आप कर सकते हैं, फिर इकट्ठी शॉपिंग करनी वगैरह, वो चीज़ें कि जो कह सकते हैं कि ग्रुप बॉन्डिंग वो अगर हुई नहीं है तो उसके बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द सन, कैप्रिकॉर्न के बाद डायरेक्टली सन, अलग लगता है लेकिन आ गया कार्ड। देखो ये सोल कनेक्शन, मतलब आपको ये गुस्सा या फिर रोते हुए देख नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है, सो इस बात को अंडरस्टैंड करो, ये वही चाहते हैं जो आपका दिल चाहता है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना इतना भी आसान नहीं होता, यही वो आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है, देयर इज़ सम इश्यूज। थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं फोकस है उनका अपने जॉब के ऊपर, मे बी काफ़ी अच्छा फोकस करना चाहते हैं, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं कि भाई बहुत जल्दी इनको सकारात्मक डिसीजन मिले फ्रॉम देयर ऑफिस, अच्छे पोस्ट पे जाएं और काफ़ी अच्छी कमाई हो, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस चल रहा है।
सेकेंडली कि ये नहीं चाहते कि आपके काम के बीच में ये टांग अड़ा और इनके काम के बीच में आपकी कोई इंटरफेरेंस हो। देखिए तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे का अगर अपना अपना काम अगर सही तरीके से करें तो किसी को भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी। लास्ट के आई थिंक दो ही कार्ड बचे हैं, वो है दी एम्प्रेस एंड सॉरी दो तीन कार्ड बचे हैं। पहला का जो कार्ड है वो है दी एम्प्रेस, तो आपको देख के इनको काफ़ी कुछ महसूस होता है, ठीक है। हालांकि लास्ट टाइम आप इंटीमेट कब हुए थे, लास्ट टाइम कब आपने रोमांस किया था, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कहीं पे कुछ फैमिली इशूज़ है या फिर आपका मूड ऑफ है तो कहीं ना कहीं पर्सन आपके ऊपर ही निगाहें अटका के रखा हुआ है। जब आप कहेंगे तो एक पर्सन रोमांस के लिए रेडी हो जाएगा। देन यू गॉट द टू कार्ड्स जो कि है सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों ही एयर साइन आ गए यहाँ पे। यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो यही कि ये पर्सन जो है वो आपके बारे में ही सोच रहा है, एंड मे बी अगर आपसे थोड़ा सा दूर चला गया था कहीं पे एक जॉब के लिए या फिर किसी निजी काम की वजह से दोबारा से लौट सकता है। लौटने की गुंजाइश 80% है, हालांकि डिपेंड्स कि वो कब और कैसे आपके पास आपके करीब आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन एक्चुअली बैलेंसिंग करना चाहता है। हर एक्ट की प्रिपरेशन तो हो गई, अब आपसे बात करनी है कि जो भी उन्होंने कहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस करने होंगे कि आप उसके लिए रेडी हो। अगर हो तो ये पर्सन उसके लिए बिल्कुल रेडी है, नहीं है तो फिर आप दोनों को मिलकर उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया टैरो और अब देखते हैं फाइनली स्ट्रॉबेरी ओरेकल से देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट आई थिंक 11 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं अभी स्ट्रॉबेरी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये गया पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चुनते हैं चौथा और पाँचवा कार्ड, ठीक है। पाँच कार्ड हमने चुने हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो ओपन योर आइज टू द सिचुएशन। फिलहाल जो हो रहा है उसके लिए सजग रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस बात का अंदेशा अगर आपको नहीं है तो पहली बात आपको अंदेशा कर लेना चाहिए। सेकंड जो कार्ड है वो है यू कांट नो एवरीथिंग। आप हर बात को जान नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि शायद इनके पर्सनल कुछ इशू हो सकते हैं या फिर निजी मामले हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। वो भूतकाल के हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट में कुछ हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप सब चीज़ें जानें, क्योंकि सब चीज़ जानने के बाद ही आप इनकी हेल्प कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे या फिर आप इनको छोड़ ही जाएंगे, वो तो अलग बात है। इसलिए आप हर चीज़ नहीं जान सकते, जैसे कि ये आपके बारे में हर चीज़ नहीं जान सकते। यस यस यू कैन। कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में वापस से शरीक होना है तो हाँ, ये पर्सन कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन आपको भी इनको एक और मौका देने की ज़रूरत है। एजुकेट ऑफ इनर विस्टम। अपने आपके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं आपके ऊपर हार्श तो नहीं हूँ। मतलब ये अगर आपके ऊपर हार्श हो रहा है, आपको लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको भी लग रहा है कि हाँ, मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन इनका मकसद बुरा नहीं है। वो आपके ज़िंदगी में, वो आपके अंदर बहुत अच्छी खूबियाँ पाते हैं और चाहते हैं कि भाई आप इन खूबियों के सहारे और आगे तरक्की करें। एंड फाइनल कार्ड वाई हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करें कि एक ना एक दिन वो ऐसा समय जरूर आएगा जब आप दोनों का मिलना अगर तय लिखा है डेस्टिनी में, तो आप ज़रूर मिल जाएंगे। और जितनी भी कोशिशें हैं कोई चाहे करे वो फेल हो जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए चाहते हैं कि आप दोनों दूसरे के ऊपर भरोसा करें कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो तो ज़रूर एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में पाओगे। इतना रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।